टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। एक है सुपरवाइज्ड, दूसरी है अनसुपरवाइज्ड और तीसरी है रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, इसमें हम लेबल डेटा मशीन को देते हैं ताकि मशीन उस लेबल डेटा को देख करके उसके ऊपर एक मॉडल बिल्ड करे और फिर उसको फ्यूचर में किसी दूसरे डेटा के ऊपर अप्लाई करके प्रिडिक्शन कर सके। जैसा कि हमने पहले देखा था, इसमें दोनों ही केस में हमको ये रीडिंग जो दी गई है, इसमें हमको इनपुट और आउटपुट पता था, इसमें भी इनपुट और आउटपुट पता था। इसके बिना पर एक मॉडल बिल्ड करता है और फिर उसी मॉडल को इस पे लगा देता है। तो यहाँ पर जो मॉडल आता है वो 2x आता है, जो हम जब इसके ऊपर वो मॉडल लगाते हैं तो इससे हम 14 पा जाते हैं। तो ये होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें हमने मशीन को ऐसा डेटा दिया है जिससे मशीन लर्न करता है, सीखता है और फिर उसी को फ्यूचर डेट पे हम यूज कर लेते हैं। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम मशीन को अनलेबल्ड डेटा देते हैं ताकि वो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे उसको क्लासिफाई कर सके। इसको बेस्ट एग्जांपल इसके लिए है गूगल न्यूज। गूगल क्या करता है, या कोई भी कैटेगराइजेशन ऑफ न्यूज आर्टिकल कह ले शॉर्ट में, वो क्या करते हैं, दुनिया भर की जो भी न्यूज आ रही हैं, हमें नहीं पता वो न्यूज कौन से टॉपिक को बिलोंग करती है, कुछ नहीं पता, हमने सिस्टम को नहीं बताया है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या करती है, उसको देखती है, पूरा प्रोसेस करती है और उसको कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर उसको कैटेगराइज कर देती है। जैसे कि ये न्यूज डिफेंस से रिलेटेड है, ये न्यूज आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या फिर ये न्यूज आपकी फाइनेंस से रिलेटेड है। तो ये होती है अनसुपरवाइज्ड, जिसमें आप मशीन को सिर्फ डेटा दे देते हो लेकिन कुछ बताते नहीं। एक दूसरा एग्जांपल भी है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में, एसोसिएशन रूल्स का। इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि यूएस में एक मॉल में उनके पास काफी डेटा था कि कौन से कस्टमर क्या क्या सामान ले रहे हैं, सेट ऑफ लिस्ट पर पर्सन की उनके पास डेटा था। तो उन्होंने मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगाई और उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा उनके पास डेटा आया कि जो आदमी, उन्होंने पाया कि मैक्सिमम टाइम जो आदमी आपका डायपर लेने आ रहा है वो बियर जरूर खरीदता है, या जो आदमी बियर ले रहा है वो डायपर जरूर लेता है। क्योंकि जब लिस्ट में आप देखोगे किसी की बिलिंग साइकिल में, तो उसमें ये नहीं कहेगा कि पहला आइटम कौन सा लिया या दूसरा आइटम कौन सा लिया। तो उन्होंने ये देखा कि ये डायपर्स और बियर लेने वाले कस्टमर बहुत सारे हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आई बात कि क्यों हुआ। तो उन्होंने फिर फर्दर स्टडी की और पाया कि क्या होता है कि कई बार जब वाइफ्स कहीं घूमने जाती हैं तो अपने हस्बैंड्स को वहां पर कह दिया कि बच्चे की देखभाल करें, अब उनको, या कई वाइफ ने कह दिया कि जाओ बच्चे के लिए ये डायपर ले आना है, अब उस छुट्टी का दिन है या हस्बैंड घर पे है, वो डायपर लेने गया, उसने देखा कि घर में करने को कुछ नहीं है, बेबी सिटिंग करनी है, तो वो साथ में बियर भी ले लिया। तो ये एक मॉडल उन्होंने बनाया, उनसे पाया कि ये दो चीजें काफी कोरिलेटेड हैं। अब ये स्टडी से फायदा क्या है, इस स्टडी का फायदा ये है कि अगर किसी सुपरमार्केट वगैरह उनको पता चलता है कि डायपर लेने वाला बियर लेगा ही लेगा, तो वो ये भी कर सकते हैं कि डायपर के और बियर को थोड़ा दूर रख दें ताकि जो आदमी जब बियर लेने जाएगा तो उसके रास्ते में जो जो चीजें पड़ेंगी उसकी नजर पड़ेगी, तो हो सकता है वो चीज भी वो ले ले। तो ये स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में मदद करता है सुपरमार्केट को कि किस तरीके से वो, किस शेल्फ पे वो अपना सामान रखे। इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये एक है जिसमें हमको कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन मशीन ने हमको बता दिया कि ये दोनों चीजें साथ साथ जा रही हैं। तो ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी। तीसरी है रीइन्फोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है कि ये जो लर्निंग होती है, ये इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट बाय प्रोड्यूसिंग सम एक्शन एंड देन एनालाइज एरर्स और रिवार्ड्स। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये पहले तो ये सारे जो शब्द हैं, एनवायरमेंट, एजेंट, स्टेट, एक्शन, रिवार्ड, फूड, इसका मतलब क्या है। एजेंट कौन होता है, एजेंट वो होता है जो कि
एक गिवन एनवायरनमेंट में कोई स्टेट या एक्शन करता है जिसके बाद उसको रिवॉर्ड मिलता है, वो एजेंट होता है। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए कि आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, आपकी एजेंट एक कैट है, कि वो कैट चलने लगती है, और आपने क्या किया फिर उस कैट को एक फूड दे दिया, तो इसमें क्या चीजें हुई, एनवायरनमेंट आपने ऐसा क्रिएट किया जिससे कि कैट चले और उसको आपने रिवार्ड दिया फूड, तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब कैट को लगेगा कि उसको खाना चाहिए तो वो चल लेगी, तो उसको फिर से फूड मिलेगा, तो उसको एक आपने रिएनफोर्समेंट एक तरीके से कर दी, उसको एक चीज फोर्स्ड एनवायरनमेंट में सिखा दिया कि अगर तुम्हें क्या कहते हैं फूड चाहिए तो तुम्हें चलना पड़ेगा। और इसका ये भी एक है कि कुछ एक्शन जो सही नहीं है, जैसे कि यहाँ पर इसको एक पॉजिटिव रिवार्ड दिया गया है, ये भी हो सकता है कि कुछ एक्शंस कैट के वो करे आपके एनवायरनमेंट में, जैसे कि वो शीशे का ग्लास गिरा दे, तो आपको अगर आप उसको नेगेटिव रिवॉर्ड देते हैं किसी भी तरीके से, तो उससे क्या होगा कि वो डिस्करेज होगी नेक्स्ट टाइम वो चीज करने के लिए, उसको पता है कि जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा वो नेगेटिव होगा, तो ये काम मुझे नहीं करना है। और फूड वाले एग्जाम्पल में उसके लिए वो पॉजिटिव था कि वो चलती है तो उसे खाना मिलता है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम वो और भी ज्यादा उत्साहपूर्ण तरीके से चले खाने लेने के लिए, तो ये रीएनफोर्समेंट लर्निंग होती है। तो इस सेक्शन में हमने क्या सीखा, तीन मशीन लर्निंग के तीन प्रकार, पहला है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीएनफोर्समेंट लर्निंग।